सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हालचाल, क्या बोलती पब्लिक, चल में चाहते वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। दोस्तों सम्मान के साथ आपका नए व्लॉग में स्वागत है। और दोस्तों अभी हमारी जस्ट मॉर्निंग हुई है, ब्रेकफास्ट हमारा हो गया, टी हमने ले ली है और आज संडे का दिन है, बहुत ही बढ़िया दिन है। तो आज देखते हैं कि आज संडे के दिन क्या करने को है। तो दोस्तों आज संडे का दिन है और संडे के दिन आज शॉप भी मेरी ऑफ रहती है और करने को कुछ नहीं रहता, आज बिल्कुल लेजी डे है और आज आराम करेंगे, फुल डे आराम करेंगे। आप क्या कर रही हो? ये बकेट का क्या कर रही हो? आइसक्रीम बना रही हो उसमें? इसमें क्या है, आपके टॉय हैं? आप इसके साथ खेलती हो? आया तब भी कहाँ गई? आज आई नहीं आया तब भी? और अब्बास अली? अरे यार आज तो तुम अकेली खेल रही हो। मीदा भी नहीं आई, नैयरा भी नहीं आई, श्रीन भी नहीं आई, अकेली हो आज आप। देखो दोस्तों बिल्ली जो है हमारी, ये हमारी किटी है, वो यहाँ सो रही है क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी, डर गई, वो डर गई, भाग गई। केट को गर्मी बहुत लगती है, निकल ली हूँ पतली गली से। ये अपनी केट सो रही थी वहां पे नीचे, इसको गर्मी लग रही थी। दानियल नहीं, ये नई वाली है, वो जो थी वो डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई थी, नई वाली जो पर्शियन गेट थी ना अपनी, अर्शी लेके आई थी। अकेली है कि? हाँ ये वाली तो अकेली हैगी। हाँ उसकी मम्मी भी नहीं है, उसकी सिस्टर भी नहीं है और उसकी डॉटर भी नहीं है। हाँ दानियल क्या कर रही हो आप? लिपस्टिक नहीं है, वो वैक्स, वैक्स है, वो वैक्स कलर है। हाँ वैक्स कलर है, नहीं है नहीं है आपके पास वैक्स कलर? किसने कहा नहीं है आपके पास वैक्स कलर? नहीं है? कौन से बच्चे लेगा? कोचिंग वाले बच्चे लेगा? हाँ। तो अभी आप लिपस्टिक किससे लगा रही थी? अरे वैक्स कलर है वो, लिपस्टिक नहीं है, लिपस्टिक आपकी अलग है, मम्मी के पास है। वो फुप्पो लेके आएंगी इंदौर से। फुप्पो ने आपको फोन लगा के नहीं बोला था कि मैं आपके लिए मेकअप का सामान लेके आऊंगी? बोला था ना उस दिन आपने, बोला था कि हाँ खक्का भी लाएगी और फुप्पो भी लेके आएंगी। सोनू फुप्पो? हाँ नब्बू भाई की मम्मी, अपनी फुप्पो। हाँ आप गई थी ना वहाँ पे उनके पास? हाँ। कितनी सारी गेट है उनके? तो दोस्तों बहुत ज्यादा भीषण भूख लग रही है, बीवी खाना बना रही है, अभी तक खाना बना नहीं है और इतना ज्यादा भूख के मारे मेरी आंतें फट रही हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। क्या पी थी मैंने? चाय पी थी ना, चाय के बाद खाना कहाँ खाया था? खाया था क्या? दानियल कह रही है चाय पी थी आपने, तो चाय से कुछ होता है क्या दोस्तों? आज तो ब्रेकफास्ट भी नहीं मिला, तो जल्दी से खाना खाते हैं। बुखार आ रहा है? अरे मुझे बुखार नहीं आ रहा भैया, जबरन में बत्ती दे रही हो तुम तो। लिपस्टिक लगा रही हो? हाँ बड़ी लिपस्टिक लगा रही हो, बुखार किसको आया, मुझे थोड़ी आया बुखार जो मुझे कह रही। ठीक है तुम अपना मेकअप कर लो और हमें हमारे खाने का वेट करने दो, ठीक है?
तो दोस्तों ये हमारा दस्तरखान सूख रहा है, बीवी ने कहा इसे लेके आओ उसके बाद ही आपको खाना मिलेगा, तो उसे लेके जाते हैं। ये हमारा दस्तरखान है, इस पे बैठ के हम खाना खाएंगे, तो चलते हैं इसको लेके। दानियल आप खाना खाओगी क्या? लिपस्टिक हो गया आपका, मेकअप हो गया? चलो आ जाओ खाना खाएंगे, दस्तरखान भी ले आया हूँ मैं तो। तो फाइनली दोस्तों हमारा खाना लग चुका है और जल्दी से खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीषण भूख लग रही है। तो फाइनली दोस्तों मैंने अभी खाना खा लिया, जस्ट बहुत ज़्यादा भीषण भूख लग रही थी तो फटाफट खाना खा लिया है। अब थोड़ा सा टहल लेते हैं ताकि क्या है डाइजेस्ट अच्छे से हो जाए खाना, तो थोड़ा सा टहल लेते हैं, नहीं तो क्या है ब्लॉटिंग होगी और पेट फूल जाएगा। टूटा ये भी था और मैंने आपको बोला था वो भी थोड़ा थोड़ा टूट गया और उसमें भी था। दोस्तों आज मम्मी की थर्ड सेटिंग थी, आज उनका रूट कैनाल हो रहा है क्योंकि दांत में बहुत ज़्यादा उन्हें पेन हो रहा था, तो मैं उन्हें रूट कैनाल करवाने ले आया। गर्मी में शरबत पीने का ही मज़ा कुछ हो रहा है। ये हमारे नंदू साहब हैं और नंदू साहब का शरबत बहुत ज़्यादा फेमस है। दोस्तों ये हमारे फारूक भाई की शोरमे की दुकान है, हैदराबादी चिकन शोरमा। ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी शोरमे की शॉप है। धार के सबसे बेस्ट शोरमा यहीं पर मिलता है और इनकी मायोनीज़ भी बहुत अच्छी है, अमूल बटर में भी ये देते हैं और बहुत ही टेस्टी शेवरमा बनाते हैं। तो आप भी अगर धार में हो तो एक बार ज़रूर फारूक भाई की शॉप पे ज़रूर विज़िट करें और शेवरमा खा के आएँ, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी शेवरमा बनाते हैं ये। तो दोस्तों आज के व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए शब्बा खैर।